हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एब्जॉर्प्शन लॉस, ठीक है। तो आज हम एब्जॉर्प्शन लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो लॉस होते हैं, जो कि आपके पास जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा जो भी वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसको वो रिलेट करता है विद दी मोलर कंसनट्रेशन, और जो हमारे पास लेंथ होती है आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास पाथ होगा जिसके थ्रू आपके पास लाइट जो है वो पास करेगी, उनके साथ जो है हमारे पास इसको रिलेट करता है हमारे पास, ठीक है। जो भी आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा वो इनके साथ रिलेट होगा, तो इसको हम लॉस की फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि जो आपके पास एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशंस है इसको हम दो लॉस के थ्रू जो है आपके पास गवर्न करेंगे। तो पहला जो हमारा लॉ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज योर लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। पहला है हमारे पास लैम्बर्ट्स लॉ, फर्स्ट इज़ योर लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। तो लैम्बर्ट्स लॉ हमारे पास क्या बोलता है? लैम्बर्ट्स लॉ हमारे पास ये बोलता है कि जब भी हम, ठीक है, तो देखिए लैम्बर्ट लॉ हमारे पास ये बोलता है कि जब भी हम कोई बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसको हम पास करेंगे किसी सब्सटेंस से, ठीक है। सो वेन एवर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब एक लाइट जो होगी उसके पास सिंगल वेवलेंथ होगी, ठीक है, उसको हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन। तो वेन एवर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है इट इज़ पास्ड थ्रू अ सब्सटेंस, जब हम एक सब्सटेंस के थ्रू, ठीक है, मान लो कि आपके पास इस तरह से कोई सब्सटेंस है उसके थ्रू हम आपके पास मोनोक्रोमेटिक जो आपके पास लाइट जो है उसको पास करेंगे, मतलब एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट हम पास करेंगे, ठीक है। और वो सब्सटेंस जो है उसको हमने डिसॉल्व किया हुआ है, कहाँ पे डिसॉल्व किया हुआ है? इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट, मतलब मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाया हुआ है, ठीक है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसमें आपके पास सोल्यूट होगा और सोल्यूट का आपके पास जो सोल्यूशन होगा किसी सॉल्वेंट के अंदर होगा, और सोल्यूट जो है आपके पास उस सॉल्वेंट के अंदर बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली कंडीशन हमारे पास ये होगी कि आपके पास देयर विल बी नो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन हो गई तो मतलब लॉ हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। तो वेन एवर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज़ पास थ्रू अ सब्सटेंस इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट, हमारे पास क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा, ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब होगी एंड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पाथ लेंथ ऑफ द सैम्पल ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है, वो पाथ लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पाथ लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। तो मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ लैम्बर्ट लॉ के अंदर, मैथमेटिकली लैम्बर्ट लॉ बोलता है कि मेरे पास जो आपके पास लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई टी, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। आई नॉट मेरे पास क्या होता है? यहाँ पे आई नॉट है मेरे पास, दिस इज़ जो मेरे पास लाइट होगी, ठीक है, दिस इज़ इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट, ठीक है। आई नॉट स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ इंसीडेंट लाइट एंड आई टी स्टैंड फॉर इंटेंसिटी ऑफ, दिस इज योर इंटेंसिटी ऑफ जो लाइट मेरे पास ट्रांसमिट होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि दो दो चीज़ें होंगी, या तो एब्जॉर्प्शन होगा या फिर आपके पास ट्रांसमिटेंस, हमारे पास लाइट ट्रांसमिट होगी। तो जो लाइट आपके पास एब्जॉर्ब हुई दैट इज़ योर आई नॉट, जो आपके सॉरी जो लाइट आपके पास हमने स्ट्राइक करवाई थी, ठीक है, जो यहाँ से आपके पास लाइट जो है आपके पास यहाँ से आके स्ट्राइक करेगी, इसकी जो इंटेंसिटी है दिस इज़ आई नॉट, ठीक है, और यहाँ से जो ट्रांसमिट होगी दैट इज़ योर आई टी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हमारे पास जब भी आपके पास कोई सैंपल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो हमें क्या मेज़र करना है कि कितना चेंज होता है आपके पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट के अंदर, ठीक है। तो एब्जॉर्ब जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट थी उसकी इंटेंसिटी आई नॉट थी, और चेंज जो चेंज आया उसको मेज़र करेंगे बाद में, यहाँ से निकल के कितनी आई? ट्रांसमिट होके आई आई टी। तो इनके अंदर हमारे पास जो चेंज होगा यही हम स्टडी करते हैं हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो देखिए यहाँ से हमारे पास मैथमेटिकली फॉर्म क्या आ गई, लॉग ऑफ आई नॉट अपॉन आई टी, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब इंटेंस जो हमारे पास लॉग लॉग ऑफ होगा इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू दैट ऑफ रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू दैट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है, लॉग भी लेना साथ में, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, ठीक है। तो हम ज़्यादा इसकी डेरिवेशन के अंदर नहीं जाएंगे कि हमने किस तरह से इसको ड्राइव किया है, ठीक है, तो आपको जस्ट थोड़ा सा माइंड में रखना है कि ये क्या चीज़ है। अब जो हमारा सेकंड लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है दैट इज़ कॉल्ड एज योर बीयर्स लॉ, ठीक है, सेकंड इज़ योर बीयर्स लॉ। तो बीयर्स लॉ हमारे पास क्या बोलता है कि जब हम लाइट बीम पास करेंगे, वेन एवर आ लाइट बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इज पास्ड थ्रू आ सब्सटेंस, ठीक है, और उसको मैंने कहाँ पे डिसॉल्व किया होगा? उसको मैंने डिसॉल्व किया होगा इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट, मतलब सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा कि जो एब्जॉर्प्शन होगा मेरे पास लाइट का, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लैम्बर्ट लॉ, में लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, बीयर्स लॉ में वो डिपेंड करता है कंसनट्रेशन के ऊपर, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करता है?
इट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन जो मेरे पास होगी, ठीक है, एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस की। जो आपने सोल्यूशन बना के रखा हुआ, जो आपके पास सोल्यूट होगा उसको जो आपने सोल्यूशन बना के रखा हो, तो उसकी कंसंट्रेशन के ऊपर आपके पास ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सी स्टैंड्स फॉर जो आपके पास कंसंट्रेशन होगी, दिस इज योर कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस जो कि आपका सोल्यूट जो भी होगा आपके पास। और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं हम इन यूनिट्स ऑफ मोल पर लीटर, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों लॉ को इकट्ठा कर दूँ, इन दोनों को लॉ को मैं इकट्ठा कर दूँ, तो मेरे पास बनता है लैम्बर्ट्स बीयर लॉ, ठीक है। इन दोनों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास बनता है बीयर लैम्बर्ट लॉ, या फिर आपका लैम्बर्ट बीयर लॉ। तो दिस इज कॉल्ड एज योर बीयर्स लैम्बर्ट लॉ, ठीक है, बीयर्स लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। अगर मैं दोनों लॉज को कंबाइन कर दूँ तो अकॉर्डिंग टू बीयर्स लैम्बर्ट लॉ हमारे पास क्या बन के आएगा, वेन एवर अ बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास थ्रू अ सब्सटेंस, ठीक है, विच इज़ डिजॉल्व इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट। तो जो आपके पास, ठीक है, आपके पास जो एब्जॉर्प्शन होगा मेरे पास लाइट का, ठीक है, तो हम इस ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का बाई अ सब्सटेंस, ठीक है। जो भी आप लाइट जो है किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जब आप लाइट जो है वो थ्रो करवा रहे हैं, जैसे मान लो कि मेरे पास सैंपल है कोई, ये इसके ऊपर आप लाइट थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, तो कितनी लाइट ये एब्जॉर्ब करेगा किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, एक तो आपके पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं आपके पास उस सब्सटेंस के होंगे इन द पाथ ऑफ लाइट, ठीक है, कितने आपके पास, कितने मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे उस सब्सटेंस के, वो उसके जो लाइट के पाथ में डायरेक्ट हैं, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एंड लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हम यहाँ पे हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम हटाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो वी आर गेटिंग लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई टी, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब हम हटाएंगे, यहाँ से हमारे पास एक कॉन्स्टेंट बन के आ जाएगा विच इज़ रिप्रेजेंटेड एज एप्सिलन, ठीक है, दिस इज़ योर एप्सिलन, इसको हम एप्सिलन से लिखते हैं, ठीक है, दिस इज योर एप्सिलन सी एल, ठीक है। और ये एप्सिलन हमारे पास होता क्या है, दिस एप्सिलन इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है, दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है। और इसका नाम होता है आपके पास, दिस इज कॉल्ड एज योर, दिस इज नोन एज योर मोलर, इसको बोलते हैं हम आपके पास मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज योर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, या फिर इसको हम बोलते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड एज योर मोलर, ठीक है, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट, दिस इज कॉल्ड एज योर मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट। अब देखिए जो टर्म होती है ना आपके पास एप्सिलन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये भी आपके पास, ये जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होती है हमारे पास, ये हमारे पास क्या देता है, ये हमारे पास देता है कि आपके पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी जो कि आपके पास एब्जॉर्ब हुई है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ये इसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूल की विच अंडरगोज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, और ये आपके पास क्या मेज़र करता है, इट इज़ अ मेज़र ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर जो आपके पास एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी को ये मेज़र करेगा। और इसका हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है इसकी, इट वेरीज़ फ्रॉम 0 से लेके 10^6 तक इसकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास वेरी करती है, ठीक है। और ये जो आपकी टर्म है, दैट इज़ योर, हमारी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज़ लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई टी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं आपके पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, ये बार बार यूज़ होगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्बेंस, ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज योर एब्जॉर्बेंस। और इसको, इसका जो एक और नाम है दैट इज़ कॉल्ड एज योर ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है, दो नाम है इसके, एब्जॉर्बेंस बोलते हैं हम इसको, या फिर हम इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंस तो हम बार बार लिखेंगे, ठीक है, आपने ध्यान में रखना है, एब्जॉर्बेंस तो हम बार बार लिखेंगे ये टर्म। तो देखिए यहाँ से आपका जो बीयर्स लैम्बर्ट लॉ है, ठीक है, ये जो बीयर्स लैम्बर्ट लॉ है इसको मैं कैसे किसे लिख सकता हूँ, अब बीयर लैम्बर्ट लॉ मेरा बन जाएगा ए इज़ इक्वल टू, क्योंकि ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज एब्जॉर्बेंस, ए इज इक्वल टू एप्सिलन सी एल, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एप्सिलन निकालूँ, दिस इज इक्वल टू ए ओवर सी एल, ठीक है, दिस इज ए ओवर सी एल। तो एप्सिलन के यूनिट क्या आ जाएंगे यहाँ से, अगर मैं इसकी यूनिट निकालूँ, देखिए एब्जॉर्बेंस तो क्या है, आपके पास रेशियो है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट टू दैट ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, लॉग लिया हुआ है, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो उसका कोई यूनिट नहीं होगा एब्जॉर्बेंस का, ठीक है, एब्जॉर्बेंस हैज़ नो यूनिट, ठीक है। तो यूनिट किसके आएंगे मेरे पास, कंसंट्रेशन के होंगे एंड लेंथ के होंगे। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर कंसंट्रेशन, इसको मैंने आपको बताया, इसको हम एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर, ठीक है, और लेंथ, लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ
मीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ से वी आर हैविंग मोल इनवर्स, ठीक है, दिस इज लीटर, दिस इज मीटर इनवर्स। तो अब कन्वर्ट कर दो लीटर को मीटर्स के अंदर, दिस इज मोल इनवर्स मीटर क्यूब इंटू मीटर इनवर्स। तो हमारे पास क्या यूनिट आ जाएंगे आपके पास, एप्सिलन के, एप्सिलन के मेरे पास जो यूनिट होंगे, दिस इज योर, दिस इज मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ठीक है। तो एप्सिलन के जो यूनिट है मेरे पास यहाँ से, दिस इज मीटर स्क्वेयर मोल इनवर्स, ठीक है। तो यूनिट भी आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हमारे पास एक और टर्म होती है, ठीक है, तो वो टर्म है हमारे पास ट्रांसमिटेंस। नेक्स्ट जो हमारी टर्म है दैट इज़ योर ट्रांसमिटेंस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो सारी की सारी बेसिक टर्म्स हैं, तो इनके बारे में आप सभी को पता होना ही चाहिए। तो ट्रांसमिटेंस हमारे पास क्या होता है, एक रेशियो होती है, इसको हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एक रेशियो है, और वो रेशियो किसके बीच में है, जो आपके पास इंटेंसिटी होगी हमारे पास ट्रांसमिटेड लाइट की टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। तो हमने ध्यान में रखना है कि ट्रांसमिटेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ, जो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट होगी, जो ट्रांसमिटेंस होगा हमारे पास, दिस इज रेशियो ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट टू दैट ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो हमारे पास एब्जॉर्बेंस क्या था, ठीक है, हमारे पास एब्जॉर्बेंस था, दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई नॉट ओवर आई टी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं ट्रांसमिटेंस लिखूँ, तो देखिए रेसिप्रोकल ऑफ जो हमारे पास, देखिए ट्रांसमिटेंस क्या है हमारे पास, आई टी ओवर आई नॉट, मतलब इसका उल्टा करना है हमें, ठीक है। तो दिस इज़ लॉग ऑफ 1/T, ठीक है, यही आएगा, ठीक है, क्योंकि आई टी ओवर आई नॉट इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे 1/T हो जाएगा हमारे पास। तो दिस इज़ योर एब्जॉर्बेंस इन टर्म्स ऑफ ट्रांसमिटेंस। अब है हमारे पास कुछ एक कंडीशंस होती हैं जहाँ पे आपके पास ये बियर लैम्बर्ट लॉ जो है हमारे पास फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ही कंडीशंस के ऊपर ही आपके पास ओबे होगा हमारे पास ये लॉ। तो हम बात करते हैं जल्दी से लिमिटेशंस की, कि क्या क्या लिमिटेशंस है हमारे पास, ठीक है, लिमिटेशंस ऑफ किस लॉ की, बियर्स एंड लैम्बर्ट लॉ, ठीक है, कंडीशंस ऑफ बियर्स लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो आपके पास क्या होगी, मैंने आपको क्या कहा था कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना कि हमारे पास जो मीडियम होना चाहिए दैट शुड बी नॉन एब्जॉर्बिंग, सोल्यूट सॉल्वेंट शुड हैव नो इंटरेक्शन, ठीक है, शुड हैव नो इंटरेक्शन। क्यों? क्योंकि अगर सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में रिएक्ट कर जाएंगे ना, तो मतलब जो आपका सोल्यूट बचा हुआ है ना, वो तो खत्म ही हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई आपके पास सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करके कोई कम्प्लेक्स ही बना दें, ठीक है। तो ऐसी इंटरेक्शन नहीं होनी चाहिए हमारे पास। उसके बाद जो आपके पास कंसनट्रेशन होनी चाहिए वो आपके पास कम रहनी चाहिए, ठीक है, मतलब आपके पास हाई कंसनट्रेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो हाई कंसनट्रेशन। बी एस लैम्बर्ट लॉ जो है इट ऑबेज एट लो कंसनट्रेशन, ठीक है। तो जितनी कम कंसनट्रेशन होगी आपके पास, ये लैम्बर्ट लॉ जो है हमारा, बी एस लैम्बर्ट लॉ जो है अच्छे से ऑबे होगा। लेकिन अगर हाई कंसनट्रेशन हो जाएगी हमारे पास, तो जो आपके मोलिक्यूल्स होते हैं वो आपके आपके पास जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं हमारे पास, तो ये लैम्बर्ट बी एस लॉ जो है वहाँ पर आपके पास फेल हो जाता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास एक और जो लिमिटेशंस रहती हैं हमारे पास, अगर जो है एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, मान लो, ठीक है, अगर मेरा एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल जो है, अगर वो डिफरेंट फॉर्म के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, लाइक जैसे मैं आपको बताऊं कीटोइनोल, ठीक है, अगर कीटोइनोल टॉटोमरिज्म टाइप जो है मॉलिक्यूल शो कर सकता है, मतलब एक से ज़्यादा फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो वहाँ पर हमारे पास जो है लैम्बर्ट बी एल लॉ जो है वो फेल हो जाता है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास मान लो कोई फ्लोरिसेंट कंपाउंड है, ठीक है, सपोज वी हैव कोई फ्लोरिसेंट कंपाउंड, तो अगर कोई फ्लोरिसेंट कंपाउंड होगा हमारे पास, तो उस केस में भी आपके पास लैम्बर्ट बी एल लॉ जो है आपके पास फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है, अगर हमारे पास ग्राउंड स्टेट, जो आपकी ग्राउंड स्टेट होगी और हमारी जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं, ठीक है, अगर इनके बीच में हमारे पास जो है वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम जो है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है, अगर हमारे पास थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा हमारे पास, अगर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, ग्राउंड स्टेट और लोअर एक्साइटेड स्टेट्स के बीच में, ठीक है, दैट इज़ योर लोअर एक्साइटेड स्टेट्स, तब हमारे पास लैम्बर्ट बी एल लॉ जो है आपके पास फेल हो जाता है। तो कुछ एक ही हल्की सी कंडीशंस हैं, इनको अपने माइंड में रखना है कि सोल्यूट सॉल्वेंट आपस में इंटरेक्ट करके कोई कम्प्लेक्स ना बना दें, ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट जो है आपस में इंटरेक्ट करके कोई कम्प्लेक्स ना बना दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आपके पास। कंसनट्रेशन जो है आपके पास लो रहे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एक लॉस हैं हमारे पास, जो कि एब्जॉर्प्शन के अंदर हमारे पास स्टडी किए जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।